हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए एक बार फिर देश में लॉकडाउन लगाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि जब देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम था तब लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन हटाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह देश के मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। इस बीच फरीदाबाद से कोरोना पीड़ित मरीजों का एक वीडियो हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुआ, उससे जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। देश में अनलॉक वन की घोषणा के बाद दिनों दिन बढ़ता हुआ संक्रमण लोगों को परेशान कर रहा है। मैं फरीदाबाद 3 नंबर ESI से उन्नति कोरोना पॉजिटिव बोल रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को पानी पीने के लिए ये दिया जा रहा है, पीला पीला पानी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं यहाँ पर 7 तारीख की आई हुई हूँ और 7 तारीख से अभी तक हम लोगों को टंकी का ही पानी पीना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। खाना हमें लेट शेट दिया जा रहा है। अब 11 बजे हमारा नाश्ता आया है, अब 4 बजे करीब हमारा खाना आएगा, रात को 11 बजे हमें लंच मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा हम लोगों को। कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। आज दूध आया सुबह वो हमें खराब मिला है, खट्टा दूध मिला, बिल्कुल खट्टा, फटा हुआ दूध जन फटा हुआ था कि रात का बासी दे दिया, पता नहीं हमें कैसा था वो। हमें कल रोटी मिली थी, वो बासी आटे की रोटी बनाई गई थी, वो भी खट्टी खट्टी सी हो रही थी, वो भी नहीं खाई गई। गलिया भी जली हुई थी, जली भी हुई थी रोटी। और जो हमें लेट शेट खाना मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे हम बोल बोल के थक चुके हैं, कोई हमें ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा बोलते हैं तब हमें खांसी का भी सिरप ऐसे ही मिलता, नहीं तो नहीं मिलता खांसी का सिरप। इस चीज के बारे में दीदी भी बता सकती है। नमस्ते, मैं 3 नंबर ESI से सरस्वती कोरोना पॉजिटिव बोल रही हूँ। खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, ना ही पेट भर के खाना दिया जा रहा है। खाने की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पानी तो आपने देख ही लिया है, पीला पीला पानी दिया जा रहा है। इस समस्या का समाधान करें। यहाँ पर ये भैया भी बता देंगे आपको। कहाँ से बोल रहे भैया, कहाँ पे है ये? सर मैं बिलमगढ़ से हूँ जी। यहाँ पे आज 9 दिन हो गया सर, न तो शुद्ध खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। इस समस्या का समाधान करें सर। चलिए फटाफट हमारे पैनल से मिलवाते हैं। और फिर क्या फिर से होगा लॉकडाउन? लॉकडाउन होने की चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं, इसका जवाब हम पैनल से तलाशेंगे। प्रदीप नरूला वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यहां मौजूद है। डॉक्टर स्वाति एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। और एक बार फिर डॉक्टर अजय गुप्ता आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, चेयरमैन है NETB IMA हरियाणा के। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। नरूला साहब आपसे ही शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि तमाम जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें निकल रही हैं, उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चाएं जो तेज हुई हैं, कि जब कम केसेस थे तो लॉकडाउन था, अब केसेस बढ़ गए हैं, रोक नहीं पा रहे हम उसे, तो लॉकडाउन क्यों नहीं, क्यों? देखिए अनामिका, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे नहीं लगता कि फिर से कोई लॉकडाउन लगाने की तैयारी है या जरूरत है। जरूरत भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस पहले लॉकडाउन की बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब मरीज कम थे तो लॉकडाउन लगाया गया था पहला, नहीं लोग कुछ जो गॉसिप चल रहा है उस पे हम बात। मैं वही उसी बात कह रहा हूँ, जिक्र आपने किया चल रहा है लोगों में, बात ठीक है। देखिए उस वक्त ना तो हम कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार थे और ना ही कोरोना की हमारी तैयारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं था कि कितना घातक है, जो भी जरूरत थी। और जो चेन तोड़ने की बात उस वक्त की जा रही थी कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए जहां भी कहीं, क्योंकि ये बीमारी बाहर से आई, हमारे यहाँ की उपज नहीं है, बीमारी बाहर से आई और जो लोग आ चुके थे उस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत पड़ी। लेकिन अब कोरोना जिस तरीके से फैला उसमें अब लॉकडाउन भी कोई खास असर करने वाला नहीं है जी, क्योंकि जिस तरह से हमने पीछे देखा कि मजदूरों का पलायन हुआ, जिस तरह से लोग कैरियर बन के कोरोना के दूसरे जगहों पे, शहर से गांव में या गांव से शहरों में या शहरों एक शहर से दूसरे शहर में जो स्थिति हुई, अब तरीका है कि आप जहां हैं वहीं बचाव कीजिए,
किसी तरह से चेन बनने से रोकिए। देखिए तब सबसे पहले सरकार ने, प्रशासन ने उस पर सख्ती की, लोगों को बताया कि क्या चीज़ है और कैसे हमें बचना है। अब ज़रूरत है कि लोग ये तय करें कि कैसे बचना है। और एक देहात की पुरानी सी कहावत है कि उठी पैंठ दोबारा बहुत मुश्किल से जुड़ती है। पैंठ का मतलब है मेला, पशु मेला। एक बार उठ जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता जी। तो जहाँ तक लॉकडाउन के प्रश्न है, हाँ। कि हम एक बार लॉकडाउन खोल चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से आप दोबारा लॉकडाउन में जाएंगे। और मुझे नहीं लगता सिर्फ बचाव ही एक तरीका है, और लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। अब लॉकडाउन की जरूरत भी नहीं है, हमने 3 लॉकडाउन में ये देख लिया है कि लॉकडाउन हमें बचना कैसे है। एक एक पर्सन तक वो बात पहुंच चुकी है जो लॉकडाउन में के जरिए पहुंचनी थी। और मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह से बहुत लंबी हम आर्थिक मार भी झेल पाएंगे, तो धीरे धीरे सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और देखिए ये बात ठीक है कि हम 3 लाख के पार पहुंच गए, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी 50% से ऊपर, डेथ रेशियो भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ। मैं मान रहा हूँ कि जो जिस तरह का डेथ रेशियो है, जो जो वृद्ध लोग हैं जिनको बीमारी कोई और दूसरी बीमारी थी, ज़्यादातर वो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें, जब तक हम कोरोना की चेन को नहीं तोड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप सरकार भी सीरियसली, तो क्या इस चेन को तोड़े जाने को लेकर ही बातें हो रही होंगी कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए या कर्फ्यू एक बार फिर से? देखिए लॉकडाउन की बातें हो रही होंगी या कंटेनमेंट जोन की या रेड जोन को घेरने की बातें हो रही होंगी। अब वो चीज भी नहीं रही, अब वो चीज भी नहीं रही कि हम कहां। लॉकडाउन का मतलब था कि लोग इधर से उधर कैरियर ना बने, लेकिन वो हो चुका। वो जो जिस तरह से हमने पिछले महीने से इस महीने तक देखा, वो सारी चीजें हो चुकी। अब तो हमें पहचान करनी होगी, नॉक करना होगा पर्सन टू पर्सन। अब जरूरत है पर्सन टू पर्सन नॉक करने की, अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं रही। लॉकडाउन अब सब लोग अवेयर होंगे, जब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, खुद बचेंगे दूसरे को भी बचाएंगे, तभी ये संभव होगा। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की बहुत ज्यादा, शायद जो 4-5 स्टेट हैं जिनके बड़े शहर इस तरह के हैं, वहां जरूरत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में लॉकडाउन, पूरे देश भर में। ठीक है, तो ये नरुला साहब को आपने सुना। डॉक्टर गुप्ता, क्या फिर से लॉकडाउन हो जाना चाहिए हालिया स्थिति को देखते हुए? क्यों चर्चाएं होने लगी कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अनामिका जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जरूर बोलिए सर। हम इससे पहले हम किसी निष्कर्ष पे निकले कि लॉकडाउन होना चाहिए या ना होना चाहिए, हमको पहले अपनी जो स्थिति है इस वक्त की जो स्थिति है उससे हमको रूबरू होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ये तय करना चाहिए कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज की मैं आपको लेटेस्ट एक खबर बता देता हूँ। मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उन्होंने खुद का उनका स्टेटमेंट है कि मुंबई के अंदर 99% आईसीयू बेड ऑक्यूपाइड है और 94% वेंटिलेटर्स भी ऑक्यूपाइड है। ये हाल है मुंबई का जी। अब अगर बात करें अपने प्रदेश की, गुड़गांव, गुड़गांव में अगर मैं आपको 10 दिन का डेटा, सिर्फ 10 दिन की डेटा की एक पिक्चर दिखाऊंगा 31 मई से 11 जून की। अनामिका जी, 31 मई को गुड़गांव में 774 केस थे और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ थी गुड़गांव के अंदर वो थी 3। 31 मई के बाद 11 जून यानी कि 2 दिन पहले ये जो केस है वो 3.5 गुना बढ़ गए। जो टोटल नंबर ऑफ केस 11 जून के थे वो थे 2737। नंबर ऑफ डेथ जो कि 10 दिन पहले 3 थी वो हो गई 9, यानी कि 6 गुना डेथ रेट हैज इंक्रीज्ड। सिर्फ 10 दिन का आंकड़ा बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। और अगर आप केस डबलिंग रेट देखेंगे और रिकवरी रेट देखेंगे वो भी आपका कम से कम 50% से 38% आ चुका है, ये आपका रिकवरी रेट है। स्थिति गुड़गांव की मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम
हॉटस्पॉट एरिया के अंदर, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में हो सकता है लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन गुड़गांव है या दिल्ली है या उसका बॉर्डर है, हम बार बार कहते हैं बॉर्डर सील होता है ओपन हो जाता है, सील हो जाता है ओपन हो जाता है, ये क्या तमाशा लगा रखा होता है, कभी नोएडा का बॉर्डर सील होता है, कभी गुड़गांव का बॉर्डर सील होता है, दिल्ली का बॉर्डर सील हो जाता है, ये फिर भी बढ़ रहे हैं आपके। आप क्या चाहते हैं कि जो गुड़गांव की दिशा है वो दिल्ली और मुंबई जैसी हो जाए? और अगर यही चलता रहा अनामिका जी, तो एक महीने बाद हमारे पास गुड़गांव में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब हाथ खड़े करने वाले हैं, वो गुड़गांव जैसा क्षेत्र भी इतने पॉजिटिव पेशेंट आ जाएंगे कि उनको वो झेलने को तैयार नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना ये है कि रेड जोन में जिसमें एक्सपोनेंशियल राइज है केसेस का, आप देख लीजिए 10 दिन में कितना राइज है गुड़गांव के अंदर, और अगर आप गुड़गांव फरीदाबाद और सोनीपत को कंबाइंड करते हैं तो हरियाणा में टोटल केसेस है 6000 के आसपास, इन तीन डिस्ट्रिक्ट के केसेस मिला के हो गए 4000। आप देखिए 6000 टोटल केस है हरियाणा में, और गुड़गांव फरीदाबाद और सोनीपत को मिलाएंगे तो केसेस हो जाते हैं 4000 के। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अब तक हरियाणा में हुई है 64 के आसपास, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाएंगे तो हो गई है 46 के आसपास। तो आपको क्या लगता नहीं है कि सोनीपत है या फरीदाबाद है या गुड़गांव में, यहाँ पर आपको 14 या 21 दिन का लॉकडाउन एनफोर्स करना पड़ेगा? दूसरी, मैं अपना दूसरा पक्ष इसलिए रखना चाहता हूँ कि आज आप अगर आप सड़क से जाते हैं जी। मुझे बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का और ना वो मास्क पहन रहे हैं। जो लॉकडाउन 1 में होता था, आप मोबाइल शॉप्स पे चले जाइए, आप सदर बाजार के बाहर खड़े हो जाइए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको 25 से 20% ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उनमें से 5-10% ऐसे भी मिलेंगे जो बिना मास्क के बाइक पे घूम रहे हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक अपने आप सीख जाएगी और वो सोशल डिस्टेंसिंग या डूज एंड डोंट्स जो कोविड के हैं वो पालन करना शुरू कर देगी, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा होने वाला है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमको हर स्टेट के अंदर जितने भी प्रदेश हैं जो हॉटस्पॉट है, अगर उसमें एक्सपोनेंशियल राइज है, रिकवरी रेट कम हो चुका है, डेथ रेट बढ़ चुका है, उसमें हमको लॉकडाउन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। जी ठीक है, आपकी क्या राय है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपको क्या लगता है लॉकडाउन हो जाना चाहिए क्योंकि हालात बेकाबू हो गए हैं? आप तो मैं सुन नहीं पाई उनके क्या विचार थे, लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है, देखिए लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, ये बात हम लोग भी समझ चुके हैं कि ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह है जो जरूर रफ्तार रोक सकता है, जो जरूर ये वक्त दे सकता है कि हम लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर लें, दुरुस्त कर लें, लेकिन जब अगर हम फिर से लॉकडाउन लगाएंगे, हम फिर से खोलेंगे, फिर से ये स्थिति जो है सामने आएगी, तो लॉकडाउन इस चीज का इलाज नहीं है। जहां तक बात, देखिए अब बार बार ये बात हो रही है कि हमें लंबे समय तक इस वायरस के साथ लड़ना है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, और जो कि अभी देखने में लग ही रहा है कि 7-8 महीने आसानी से लग सकते हैं, तो तब तक हमें इस वायरस के साथ लड़ना सीखना होगा। और अब आप अगर अमेरिका और चाइना को देखें तो वहां सेकेंड वेव आ रही है, इस बात का भी आगाज होना शुरू हो गया है, वहां लगातार ये बात चल रही है कि अब वहां जो नए संक्रमण आ रहे हैं क्या वो सेकेंड वेव है। तो ऐसी स्थिति में भारत में भी ये स्थिति हो सकती है कि अभी दिल्ली मुंबई को आप देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, वहां बहुत ज्यादा संक्रमण आ रहा है, तो अभी आने वाले समय में और डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज ऐसी हो सकती है जहां से संक्रमण तेज हो, क्योंकि देखिए अभी गुड़गांव की भी अगर हम बात करें तो गुड़गांव को इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में ले लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया है जिसमें से गुड़गांव भी है। तो ऐसी स्थिति में भारत में ये कई फेजेज में हो सकता है, कई जो है डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग समय पर में पीक आ सकती है, तेजी आ सकती है, ऐसे में लॉकडाउन लगाना अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समझदारी होगी। अब लोगों को समझना जरूरी होगा कि उनके आचरण में क्या क्या चेंजेस लाने जरूरी हैं, ताकि ये जो चेन है ये इस तरह से फैले नहीं जैसे कि फैल रही है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ती, क्योंकि देखिए पहले भी हम लोग ये बात करते रहे हैं कि आज हम रिकवरी रेट से खुश हैं, आज हम मृत्यु दर कम है, इस बात से थोड़ी तसल्ली है, लेकिन जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी ये सारे फिगर्स जो हैं हमारे ये बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी आप देखें
तो पिछले 13 दिनों में भारत के 41% जो मामले हैं वो सामने आए हैं, यानी कि 1.25 लाख जो मामले हैं वो पिछले 13 दिनों में आए हैं, और यहां तक कि 41% जो मौत हुई है वो भी पिछले 13 दिनों में ही हुई है, यानी कि 3000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अभी पिछले 13 दिनों में हुई है। तो अगर ये स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू होती है तो हो सकता है कि एक हफ्ते के आसपास के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि जो मृत्यु दर हम बढ़ते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने बाकी देशों में भी देखा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि ये वायरस बहुत डेडली है या इसकी वजह से लोग ज्यादा मरते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है ना, हमारा हेल्थ सिस्टम, लेकिन अगर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़े मरीजों से जो ओवरफ्लो होने लगता है। ठीक है, जो आप कह रही हैं कि हो सकता है कि अगर स्थिति ऐसे बेकाबू रही तो हो सकता है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़े, यही तो लोग बात कर रहे हैं कि रियायतें मिली। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं यहाँ पर कि लोगों को समझना होगा और खुद ही अपनी व्यवहारिकता में लेकर आना होगा, लेकिन अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं मैम कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे बिना मास्क के, हरियाणा में तो चालान किए जा रहे हैं उसके बावजूद लोग बिना मास्क के धड़ल्ले से निकल रहे हैं, तमाम मानकों को धत्ता बता रहे हैं। शायद यही वो वजह है कि हर 24 घंटे में जब हम आंकड़े पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत भयावह और डरा देने वाले होते हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि हो जाना चाहिए लॉकडाउन, या लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है आप ये कह रही हैं? जी हाँ, देखिए लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, वो उनको एक हफ्ते के लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद उनकी स्थिति वही रहने वाली है, वो एक हफ्ते बाद भी यही सब कुछ करेंगे। और ये जो एक हफ्ते लॉकडाउन की मैं बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल चरम सीमा पर जब हमारे केसेस पहुंच जाएंगे या जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स बिल्कुल ही अब झेल नहीं पा रहे हैं और ज्यादा मरीजों को, तब मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी नहीं लग रहा कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ेगा फिलहाल, लेकिन लोगों को जरूर समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी, और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कुछ चीजों पे अंकुश लगाना जरूरी होगा। हम जो एक कंप्लीट अनलॉक में भी नहीं हो सकते हम, और कंप्लीट लॉकडाउन में भी नहीं हो सकते हम, कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि हम लॉकडाउन की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलती रहे, उन पर असर ना पड़े, लेकिन हम बाकी जो गतिविधियां हैं जिनकी जरूरत अभी नहीं है उनको रोक सकें, ताकि क्योंकि भारत में मानसिकता है लोगों की ऐसी कि अगर चीजें खुल जाए तो उन्हें लगता है कि अब हम जा सकते हैं, अब हम चले जाएं, क्यों हम अपने आप को रोकें, या अगर खोल दिया है प्रशासन ने तो उसका मतलब कि हम जा सकते हैं। तो ये जो एक मानसिकता है इसको हमें कहीं ना कहीं इसको रोकना इस वक्त जरूरी है कि अगर प्रशासन ने चीजें खोल भी दी है, अगर लॉकडाउन में आपको इस सुविधा अब अनलॉक की मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका दुरुपयोग करें, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोरोना वायरस से जीत गए या उसका जो संक्रमण है वो हमने रोक लिया है या काबू कर लिया है। तो लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त अपने उत्तरदायित्व को समझना और एक दूसरे को समझाना भी जरूरी है। देखिए अगर आप किसी और को देख रहे हैं ऐसा करते हुए तो उनके सामने मिसाल बनिए, उनको समझाइए, क्योंकि अब हम बहुत ही कठिन मोड़ पर आ चुके हैं जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब गुड़गांव को देखिए, दिल्ली के जो से सबक लेना शुरू कर देना चाहिए गुड़गांव, और मुझे लगता है जिस तरह से अभी यहाँ संक्रमण बढ़ा है, हमें यहाँ पर ऑलरेडी जो स्टेडियम अगर कोई है, बैंक्वेट हॉल्स हैं जो हैं, उनको अभी से कन्वर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए जैसे कि दिल्ली में हुआ है कि अब उनको वो लोग वहां पर ये सभी चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गुड़गांव को पहले से तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम नहीं मान के बैठ सकते कि आज दिल्ली मुंबई में हो रहा है तो यहाँ ये आलम नहीं हो सकता, यहाँ भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। तो अभी से 15 दिन आगे की सोच रख के अगर हम लोग तैयारियां नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी वही हालत होने वाली है जो दिल्ली में है, कि वहां बेड की लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, वहां के जितने भी शमशान घाट हैं उन पे दर बढ़ता जा रहा है लोगों के पहुंचने का। तो उसको रोकने के लिए अभी से इंतजाम करने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, और टेस्टिंग बढ़ाएं, और जो भी हमारे ऐसी जगह हैं जिनको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं उनको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए अभी से कोशिश करें। चलिए प्रदीप नरूला जी, आप बहुत हद तक सहमत दिख रहे थे, आप उनकी बात में सहमति भी जता रहे थे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कुछ और जोड़ना चाहेंगे, वो एक हफ्ते के लॉकडाउन का जो जिक्र कर रही थी कि एकदम चरम पर जब पहुंच जाए तब हो। देखिए मैं आपको इसमें आप लॉकडाउन और बढ़ा लीजिए, हमने 3 लॉकडाउन करके देख लिए, समस्याएं बढ़ी घटी नहीं,
क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला, चार लॉकडाउन, हाँ कोरोना की मार वही उसी रफ्तार से शुरू हो गई, बल्कि रफ्तार बहुत लगा, जो रफ्तार तीव्र हुई है वो अनलॉक फेज वन में हो गई। हाँ देखिए, और दूसरी बात कि इस अनलॉक में जो लोगों को परेशानी हुई, जिन जो दिहाड़ी मजदूर थे या जो डेली जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे, उनके लिए मुसीबतें बढ़ी। तो इन परिस्थितियों में हमें अवेयर होना पड़ेगा, हम लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकते। ये बात ठीक है कि जो इलाके रेड जोन में आते हैं या कंटेनमेंट जोन में आते हैं, उनमें हमें पूरी सख्ती बरतने की आवश्यकता है। उसके अलावा लोगों को जब तक जागरूक लोग खुद नहीं होंगे, जिन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो एक महीना बाद लॉकडाउन आप एक महीने का लगा लीजिए, खुलेगा तब भी वैसे ही होंगे, या उन्हें एक महीने के लॉकडाउन में अकल आ जाती हो तो शायद फिर तो बहुत अच्छी बात है कि लगा लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से बिहेव लोग कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने चार लॉकडाउन के बाद तीन लॉकडाउन के बाद बिहेव किया है, वो अगले एक महीने के लॉकडाउन के बाद भी बहुत अच्छा बिहेव करने वाले हैं। और इस तरह से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो डबल नुकसान नहीं झेल सकती। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में कोरोना को भूल के लोग सिर्फ भूख से मरने लग जाएं। तो मेरा मानना ये है कि प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। खाली प्रशासन नहीं, आपको अगर कोई बिना मास्क पहने हुए दिखाई देता है तो आप उसको रोकना चाहिए। अगर हम इस वक्त इतना झेलने के बाद भी ये समझा रहे हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए और लोग आ रही सर आप ही के पास आ रहे हैं और लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेल्योर तो यही हो गया है हर तौर पे। देखिए नामिका, एक चीज और बहुत मेरे हिसाब से अच्छी नहीं हुई कि हमने धीरे 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 आर्थिक गतिविधियां रोकी। अब आर्थिक गतिविधियां चालू की जब हम ऑड इवन में या अल्टरनेट डेज की बात करते थे, तो मेरे ख्याल से वो लागू होना चाहिए था, एकदम सब कुछ ओपन नहीं कर देना चाहिए था। ठीक है, लोगों के हफ्ते में दो दिन तीन दिन उनके संस्थान भी खुले, धीरे 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 उनका आर्थिक जरूरतें भी पूरी हों, रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हों, लेकिन कम से कम एकदम खोल देना, और उसमें जब हमें पता है, या तो हमें पता ना हो कि हमारे यहाँ लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, या तो हमें जानकारी ना हो अचानक हो जाए, जब हमें पता है कि सब कुछ इतनी तेजी से होगा, तो शायद अभी वो प्रक्रिया और अपनाई जानी चाहिए थी जो अल्टरनेट डेज की थी या ऑड इवन की थी या बारी बारी संस्थान खोलने की थी, तो शायद उस अवस्था में हमें दोबारा आना पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा चीज़ें काबू में होने वाली थी। ठीक है डॉक्टर गुप्ता। अनामिका जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो हमारा पहला 21 दिन का लॉकडाउन था ना, वही रियल लॉकडाउन था। उसके बाद जो हमने जैसे हमने ढील देनी शुरू की, वो जो लॉकडाउन 2 या 3 वो लॉकडाउन नहीं था किसी तरह से। और लॉकडाउन 2 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर केसेस वापस बढ़ते हैं तो वही लॉकडाउन दोबारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो लॉकडाउन क्यों रखा था सरकार ने? देखो दो चीज होती है, एक तो केस नहीं बढ़ने चाहिए, दूसरा सरकार को टाइम मिलना चाहिए अपने हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं टेस्टिंग है इनको दुरुस्त करने का। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने या सरकार ने ये सोचा होगा, लॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूँ, कि लॉकडाउन 1 में कभी हमने सोचा था कि हमारे पास 3.5 लाख केस हो जाएंगे आज जून तक? ये हमने नहीं सोचा था या हमने अनुमान भी नहीं किया था, तो इसकी तैयारी भी वैसी नहीं हुई थी। लॉकडाउन का समय तैयारी के लिए होता है। अगर लॉकडाउन खोलने के बाद अगर केस बढ़ते हैं तो आपके पास जो मेडिकल सेवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो उतनी पर्याप्त हो या नियर ओके होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज को उन केसेस के ऊपर आप काबू पा सके। वो नहीं हुआ क्योंकि हमको इतना अनुमान था ही नहीं कि आज जो स्थिति है, ये लॉकडाउन मार्च में हमने सोचा भी नहीं था, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी भी हमने सोचा था कि हम 3.5 लाख अकेले महाराष्ट्र में लाख केसेस हो चुके हैं, चाइना से पार हो चुके हैं। क्या कभी महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा सोचा था कि उसमें 1 लाख केस पॉजिटिव आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता।
अगर सोचा होगा, सोचा होता तो शायद आज जो हमारे इंतजाम होते वो बहुत दुरुस्त होते। अब मैं आपको दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि लॉकडाउन गुड़गांव में, मुंबई में, दिल्ली में या जितने भी जोन हैं जिससे एक्सपोनेंशियल राइज है, वो क्यों जरूरी है? देखिए, अभी भी अगर आप गुड़गांव को देखेंगे तो गुड़गांव का जो हेल्थ प्रशासन है थोड़ा वेवर्ड है, को समझ नहीं आ पा रहा है कि इन केसेस को कैसे काबू किया जाए। लॉकडाउन एक, चाहे वो हफ्ते का हो चाहे वो दो हफ्ते का हो, एक ब्रीदर मिलेगा। ये दोबारा से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी उन 7, 10 या 14 दिन के अंदर कि हमको अब जब ये 14 दिन या 7 दिन के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो हमको क्या तैयारी करनी है। और जितना ये जो राइज है 150 केसेस का, 200 केसेस का या 100 केसेस का, इस पे डेफिनेटली लगाम लगेगी, चाहे वो एक हफ्ता लगे चाहे वो 10 दिन लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार के पास थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने का कि अभी एक हफ्ता है हमारे पास, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स हैं या टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां जहां रेड जोन है उनको हमको क्या करना है। अभी अभी पैरेलली हम क्या हो रहा है कि पैरेलली हमारे पास 150 केस रोज बढ़ रहे हैं, पैरेलली हम विचार कर रहे हैं, रोज हमारी नई नई पॉलिसीज आ रही है, चेंज हो रही है, फिर दोबारा उससे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बेड की प्राइवेट में अब बोल दिया है कि प्राइवेट नर्सिंग होम है, जितने भी नर्सिंग होम है उनमें भी कोविड पेशेंट एडमिट होंगे, चाहे उनमें फैसिलिटी हो ना हो। आधे नर्सिंग होम ऐसे नर्सिंग होम है जिनके जो डॉक्टर्स है अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते हैं, जिनके पास जिन्हें चुने स्टाफ है। अब जो पॉलिसी है, जब पॉलिसी बनाने का टाइम आया था तब हमने नहीं सोचा था कि हम आपकी पोजिशन में आ जाएंगे। तो अनामिका जी, अब हमको हफ्ते 10 दिन का या 14 दिन का लॉकडाउन इसलिए चाहिए, एक तो जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी लगाम लगेगी, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है सरकार की, आपके चैनल या मीडिया के चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आज कौन सा माध्यम है जो सरकार हमको बता रही है कि गुड़गांव की स्थिति ठीक नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज कीजिए? कहाँ होता है ये बताइए, कौन सा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो आधा घंटा रोज हरियाणा किसी न्यूज चैनल पे बोले कि ये स्थिति, ये जगह ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। हम सिवाय मीडिया न्यूज चैनल के बिल्कुल भी आम पब्लिक जागरूक नहीं हो पाती आज जो स्थिति है हरियाणा की। तो लॉकडाउन सरकार की तैयारी के लिए, हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करने के लिए और जो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है उसपे लगाम लगाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इस लॉकडाउन को और कितना जरूरी इस वक्त समझा जा रहा है, हर एक के जुबान पर इस वक्त यही बात चल रही है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मतलब लॉकडाउन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और दो डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये जो बेकाबू होते हालात हैं इनको रोकने को लेकर और क्या इंतजाम किए जाने चाहिए। लॉकडाउन पर तो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर क्यों एक बार फिर से लॉकडाउन पर चर्चा होने लगी है, क्या लॉकडाउन हो जाना चाहिए? ये जो कोरोना की रफ्तार है जो बेलगाम हो चुकी है, क्या इसे देखते हुए लोग इस पर बात कर रहे हैं? यही है आज डिबेट का विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अजय गुप्ता को आपने सुना, रुख करेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी की तरफ। इस बार डॉक्टर अजय गुप्ता को सुना, आपने क्या कहेंगी? हाँ जी हाँ, इस बार आवाज आ गई मुझे उनकी। अनामिका जी देखिए, शुरू से मुझे ना थोड़ा सा ये जो अनलॉक वन है इस वर्ड से बड़ी आपत्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने अनलॉक वर्ड बोला तो उससे लोगों के मन में ये आभास हुआ कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम सब कुछ देखिए अनलॉक करने जा रहे हैं, अब हम सब गतिविधियां कर सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र को जरूरी है दोबारा से लोगों को ये बात समझाना कि अनलॉक वन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जंग जीत गए हैं या आप सब लोग अब बिल्कुल आराम से जैसे पहले था वैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के लिए है। तो अभी भी अगर हम मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये जो ऐसी जगह जो कि हमारे मनोरंजन से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, इनको अगर हम फिर से बंद करने का ऐलान करें, अगर हम लोगों को ये बात समझाएं, देखिए पूरी तरह से बंद नहीं करना है लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों पर अगर हम
दोबारा से अंकुश लगाएंगे तो लोगों में एक मैसेज जरूर जाएगा इस वक्त कि हम लोग अभी भी ये जंग जीते नहीं है, ये जंग अभी जारी है और हम लोगों को पूरा एहतियात बरतना है। वहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टेस्टिंग को लेकर जो परेशानी है, अगर आप देखें तो हर राज्य की अलग अलग टेस्टिंग इस वक्त हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो भी मुझे लगता है कि केंद्र को अपने हाथ में इस वक्त टेस्टिंग जरूर लेनी चाहिए। जिस तरह से टेस्टिंग राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है और सभी राज्य सरकार जो है इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है इसके ऊपर कि ICMR की गाइडलाइंस ये हैं और हमारे पास ये सुविधा नहीं है वो सुविधा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर केंद्र टेस्टिंग को अपने हाथ में ले ले तो मुझे लगता है राज्य सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि वो बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर अपना फोकस रख सकेंगे और उधर केंद्र को भी ये चीज काफी अच्छा हो जाएगा उनके लिए क्योंकि बाकी सारे राज्यों में कहीं ज्यादा है कहीं कम है वो उसको नियंत्रित कर सकेंगे। तो अगर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज करी जाए, अगर अपनाई जाए, तो लोगों को जरूर शायद अब समझ में आना शुरू होगा कि हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अनलॉक में आ गए हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं और स्थितियां रिवर्स नहीं हो सकती। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को जरूर समझ आएगा कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा सकती तो चाहे लगाए नहीं, लेकिन कुछ दो तीन ऐसे ऐलान जरूर करें जिससे लोगों को सीरियसनेस समझ में आए सिचुएशन की कि हम किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगर ऐसे दो तीन कदम उठा लिए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और उधर राज्य सरकारों को खास तौर से इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है और युद्ध स्तर पर काम करें कि और ज्यादा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएं और रोज के रोज जो भी हमारे पास इस वक्त हमारी उपलब्धियां हैं उनमें और जोड़ने की जरूरत है। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को PPE और प्रोवाइड करिए क्योंकि जैसे जैसे अब मरीज हमारे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित होते जाएंगे और भी ज्यादा, तो उनको सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आप कैसे नर्सिंग स्टाफ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे उतारने की सोच रहे हैं कि अगर हमारे बाकी लोग संक्रमित होते तो ये कैसे उस गैप को फिल करेंगे, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके अलावा कैसे आप और अपनी सुविधाएं बढ़ाएंगे इस वक्त, मुझे लग रहा है कि अगर उस तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व अलग है और लोगों के लिए उत्तरदायित्व अलग है। तो अगर ये थोड़ी बहुत चीजें अगर हम करें, थोड़ी स्ट्रैटेजी अगर अपनी इस तरह से अगर चेंज करें तो मुझे लगता है कि पूरे लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी और हम इन चीजों के द्वारा भी शायद वो जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो हम अटेन कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी हम कोरोना के चेन को, जो पहले लॉकडाउन से पहले ही कहा गया था कि कोरोना के चेन को तोड़ना है तो एक दिन का जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन पर देश चला गया, ठीक, तो अभी हम क्या आप ये मानेंगे कि कोरोना के चेन को तोड़ने में असफल हो गए और इसलिए लॉकडाउन पर बातें जोर पकड़ने लगी? क्या आप मुझसे पूछ रही? बिल्कुल डॉक्टर स्वाति। हाँ जी, देखिए अभी जैसे ICMR का अभी जरूर ये व्यक्तित्व आया है कि उन्होंने जो सीरो सर्वे करा है उससे उन्हें नहीं लग रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन देखिए एक बात यह है कि ये सैंपल 15 दिन पुराने हैं, तो ये स्टडी 15 दिन पहले शुरू हुई थी, तो अभी 15 दिनों में तस्वीर क्या आई है उसका अभी इतना ज्यादा ज्ञान हम लोगों को नहीं है। दूसरा ये बात ICMR भी मानता है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी मानता है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट है, वहां जरूर व्यापक तौर से संक्रमण फैल रहा है, जरूर पूरे भारत में व्यापक नहीं है लेकिन इन जगहों पे फैल रहा है और जहां जहां लोग जितना ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे ये संक्रमण फैलेगा। और हमारे भारत में अब इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउड है, तो आप देख ही रहे हैं कि गुड़गांव में पहले इतने ज्यादा मामले नहीं थे लेकिन गुड़गांव क्योंकि दिल्ली से जुड़ा है, नोएडा से जुड़ा है, सभी तरफ से आप देख रहे हैं जिस तरह से आवाजाही इस वक्त हो रही है, तो संक्रमण लगातार इस वक्त सब जगह बढ़ रहा है और बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां अब ये बता पाना मुश्किल है कि इनको संक्रमण कहां से हुआ है। तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा ही रहे हैं और क्योंकि उधर जा रहे हैं इसलिए अब और भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग और भी ज्यादा एहतियात रखें कि हमें कहाँ निकलना जरूरी है, कहाँ निकलना नहीं जरूरी है, जो चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है उनके लिए उनको अभी भी रोक के रखें। जहां हमने इतने समय सबर कराया है 50 दिन का, वहीं अगर हम 1-1.5 महीने का सबर और करें तो मुझे लगता है कि कम से कम जान सब लोगों की बच जाएगी और वो ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आपके काम ऐसे हैं जो कि अभी और 1-1.5 महीने रुक सकते हैं, तो कृपया करके मैं जरूर लोगों से अपील करूंगी आपके माध्यम से कि अभी उनको और रोक के रखें।
रखें और बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ ही बाहर निकलें, क्योंकि अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत ज्यादा हैं और खासतौर से भारत में अगर देखें तो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप किससे मिल रहे हैं वो देखने में व्यक्ति बिल्कुल देखने में ठीक लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसको कोई संक्रमण होगा, इसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन हो सकता है कि वो कैरियर हो, उस वक्त उसको संक्रमण के लक्षण नहीं हो और आप इन्फेक्टेड हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है हम सभी लोगों के लिए। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि जरूर जीत सकते हैं। अभी भी घबराने की बात नहीं है, अभी भी हमारे हाथों में बहुत कुछ है, अगर हम लोग थोड़ा और प्रयत्न करें तो मुझे लगता है कि हम स्थिति को काबू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है। अगर गिलास आधी भरी हुई हो तो उसे भरा हुआ, आधा भरा हुआ कहे ना कि आधा खाली कहे, तो पॉजिटिविटी होना, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सकारात्मकता कितना काम आने वाली है कोरोना से लड़ने में, इस पर भी हमें जरूर फोकस करना होगा। पॉजिटिविटी भी हर एक के भीतर होनी चाहिए, लेकिन लोग इसे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि कोरोना नहीं, कोई आम सर्दी बुखार की बात हो रही है। क्या नरुला साहब लग रहा है आपको, जो मौजूदा स्थिति है ओवरऑल पूरे इंडिया को देखते हुए, हम केवल गुरुग्राम पर ही क्यों बात कर रहे हैं, हालांकि बैठे हैं गुरुग्राम में तो बिल्कुल उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कहीं महसूस होता है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं? देखिए, कुछ स्टेट के कुछ पर्टिकुलर सिटीज में वाकई स्थिति है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि पूरे देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, जिस तरह से अभी स्वाति जी ने बताया कि अभी भी जिस तरह से हम एजेंसीज की बात करें तो वो अभी भी कहती हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड के मामले की तरफ अभी नहीं बढ़े। ये बात ठीक है कि कुछ स्टेट में कुछ सिटीज, देखिए जैसे आंकड़े बताते हैं कि अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 1,01,000, अब हमारे 3,09,000 अभी शाम तक का आंकड़ा है कि 3,09,000 कोरोना पॉजिटिव हैं इंडिया में अब तक के, और उनमें से 1,01,000 अकेले महाराष्ट्र में। तो 1/3 की बात करें तो 1/3 में महाराष्ट्र में, वहां हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन अब अगर गुड़गांव का एग्जांपल बनाएं, अब ये देखिए, अभी बात हो रही थी कि पहले लॉकडाउन में हमारी तैयारियों के लिए था, ये बात ठीक है कि जब कोरोना का अटैक हुआ तो हमारे पास ना मास्क उपलब्ध थे ना पीपीटी किट उपलब्ध थी, उसकी तैयारियों के लिए हमें लॉकडाउन हमारा सहायक बना जी। लेकिन शायद बाहर के कंट्रीज से ये भी सबक लिया होता कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर लेते। आज हम जब 3 लॉकडाउन में 50, 55 या 60 दिनों में जी हॉस्पिटल्स की हालत, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत जो है उसे नहीं सुधार पाए, तो क्या अगले 14 दिन के लॉकडाउन में उन्हें सुधार पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अब जरूरत लोगों ने शायद आज इसलिए भी बात करनी शुरू कर दी होगी क्योंकि एक खबर आई कि 16-17 तारीख को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री। हालांकि इससे पहले जब केसेस बढ़ रहे थे तब से लोग बात कर रहे थे, लेकिन इस बात ने जब जोर पकड़ा है तो इस खबर के आने के बाद जोर पकड़ा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है या कुछ और अहम बिंदु होंगे उस बैठक में। नहीं, अनामिका, हो सकता है एक बिंदु ये भी हो, हाँ। खाली इस बिंदु के लिए ऐसी कोई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली नहीं है, हाँ। उनमें और चर्चाएं भी हो सकती हैं, एक बिंदु ये भी हो सकता है। पहले तो हालात ही जानेंगे वो हर हाँ, से बिल्कुल हाँ। हो सकता है हाँ। देखिए, हम आपको बताऊं, अभी एग्जांपल है हमारे, बार बार बात करते हैं कि हालांकि इतनी कोई भयानक स्थिति नहीं है, आज की डेट में 3125 टोटल पॉजिटिव केस गुड़गांव के हैं, जिसमें से 1160 रिकवर हो चुके हैं, 25 डेथ हो गई है। बहुत चिंता का विषय है कि जो 10-15 दिन पहले हम 3 पे थे, आज 25 डेथ हैं आज के। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 2000 से कम है, उसमें हमारी हॉस्पिटल की स्थिति चरमा गई है। तो क्या लॉकडाउन में क्या तैयारी की, इसका मतलब हमने पहले दूसरे या तीसरे लॉकडाउन में कोई तैयारी नहीं की। ऐसे में डॉक्टर स्वाति ये उम्मीद कर रही हैं कि क्यों ना हम 15 दिन बाद होने वाली स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर लें।
हाँ उन्होंने जिक्र वही किया मेरे पहले नहीं का। हाँ डॉक्टर अजय भी यही कह रहे थे हाँ कि 14 दिन का एक लॉकडाउन आवश्यक है जिससे हम हॉस्पिटल्स तैयार कर लें। ये चीज़ें मेरे हिसाब से अगर हम पहले ये देख लें, भविष्य को देख लें, ये कि भूतकाल में क्या हुआ है उसमें वर्तमान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन 3 लॉकडाउन में हमने क्या तैयार किया। सिर्फ एक ईएसआई हॉस्पिटल जिसकी वीडियो आपके पास बार बार आपको भी दिखाई जाती है कि वहां के हालात कैसे है, पानी कैसा है, अभी आप फरीदाबाद को तो दिखाई रहे थे, तो वो तैयारियां की हमने लॉकडाउन में। फरीदाबाद में तो हालत बहुत ज्यादा, टंकी का पानी पी रहे हैं कोरोना पेशेंट। कमोबेश ईएसआई हॉस्पिटल गुड़गांव में भी यही हालात है, उनके वीडियो भी है। वीडियो नहीं, मैं तो खुद विजिट करके आया हूँ, कमोबेश हालात तो ऐसे ठीक करेंगे हम कोरोना पेशेंट। हाँ तो क्या तैयारियां करेंगे। लेकिन बात ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डेडिकेशन है, विल पावर है कि वाकई वो जिनकी हम मिसाल देते हैं कि 15 दिन में रूस में एक मैदान में हॉस्पिटल बना दिया गया, चाइना ने कुछ दिनों में ही एक कोविड का नया हॉस्पिटल तैयार कर दिया, वो चीजें अगर डेडिकेशन है या विल पावर है तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा यहाँ कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ तो लोगों को जागरूक करना होगा और बिना सख्ती के, बिना डंडे के यहाँ कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, और सरकार को सख्ती अपनानी होगी तभी लोग। और थोड़ी सी मुझे जो ढील दी गई है, थोड़ी सी ढील, मैं साथी जी के इस बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ कि थोड़ी ढीलें वापस लेनी होंगी। हमें बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए कि जिस तरह से हमने छोड़ दिया है और लोग निकल पड़े आत्मनिर्भर के नाम। हाँ देखिए मैं मजे की बात बताऊं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे हर तरह के लोगों से बातचीत भी करनी है, हर तरह का ज्ञान मिलना है। दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं है और बाजारों में भीड़ है, आप इसे क्या क्या समझेंगे, आप इसे क्या किस तरह से लेंगे आप इसे, कि यानी कि जिन लोगों को बाजार का काम भी नहीं है वो भी घूम रहे हैं। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक हम जिस तरह की कोरोना की कम्युनिटी कनेक्ट की बात कर रहे हैं बार बार, उसे नहीं रोक पाएंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही नरोला साहब कि भूतकाल को देखकर हम वर्तमान का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, वर्तमान में जो हम झेल रहे हैं इस वक्त, ठीक, ये एक आम नागरिक के तौर पे मैं उस आम नागरिक के तौर पे बात करना चाहूंगी जो बाहर निकलने से बहुत ज्यादा डर रहा है कि बाहर क्या होगा, नहीं होगा, मैं खुद को बचा पाऊंगा मास्क और सैनिटाइजर के साथ भी कि नहीं। ठीक, क्या वो वर्तमान को देखते हुए भविष्य की चिंता करे कि अब अभी इतने केसेस हैं तो भविष्य में कितने ज्यादा ये बढ़ जाएंगे, और क्यों ना उसके लिए पहले से ही तैयार हुआ जाए। जब हम बात करते हैं कोरोना के चेन को तोड़ने की, तो उसको तोड़ने के लिए अगर लॉकडाउन नहीं तो फिर क्या, क्योंकि हम इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों को समझाना होगा, लोगों को समझना होगा। अगर इनको समझना होता तो ये पहले लॉकडाउन के बाद ही समझ जाते कि ये उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी था। अब एक एक को पकड़ के कोरोना से बचने का पाठ तो नहीं पढ़ाया जा सकता। देखिए अनामिका, मैं आपको बताऊं हाँ कि आप जिसको वर्तमान की चिंता नहीं है वो भविष्य के बारे में क्या सोचेगा, मुझे नहीं लगता। बड़ी बात। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि छोटा सा एग्जांपल दे दूं जरूर कि गुड़गांव में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, थोड़े दिनों में पीछे सख्ती जरूर हुई है। एक आम आदमी जब घर से निकलता है कार पर तो बॉर्डर पे जाके बेल्ट लगाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सख्त है, उससे पहले वो बेल्ट नहीं लगाता। तो आप ये पोजीशन हमारे यहाँ की है, और यानी कि हम बिना सख्ती के कोई भी काम करने वाले नहीं है। हमें अपनी जान बचानी है, वो भी अगर प्रशासन सख्ती करेगा तो उसके लिए हम जागरूक होंगे, नहीं तो नहीं हो रहे। तो ये तो क्या, क्या इस सख्ती को ही लोग लॉकडाउन के नाम से बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए तभी लोग सख्त हों। ये बिल्कुल बिल्कुल जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं हाँ। वो लॉकडाउन नहीं है, वो सख्ती है हाँ। वो सख्ती है क्योंकि पहले लॉकडाउन में हाँ। हमने सख्ती देखी हाँ। उस सख्ती सख्ती भी देखी, सब कुछ बंद था, लोग बाहर निकलेंगे भी तो करेंगे क्या। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने बाजार के कम से कम 50 दुकानदारों से बात की और सारे खाली बैठे हैं, लेकिन बाजार में भीड़ है। बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं
कि एक दुकान में अगर कोई एक शख्स भी जाकर दूध पानी जो भी जरूरत की चीजें वो ले सकता है, तो वहाँ पे एक ही पैकेट दूध के लिए तीन तीन चार चार लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पे भी तय मानकों का जो है फॉलो नहीं किया जा रहा। डॉक्टर अजय गुप्ता, मैं एक बार फिर से सर आपके पास आ रही हूँ, सख्ती किस तरह की, लॉकडाउन नहीं तो और क्या? देखिए अनामिका जी, हाँ, हमको हमारी जो सरकार है, मैं हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ, हमको कुछ डिफरेंट सोचना होगा। अगर ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आप लॉकडाउन कब तक कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता की आवाज बढ़ा दीजिए, बोलिए सर बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अनामिका जी, हाँ, लेकिन लॉकडाउन का मतलब सख्ती ही है। सख्ती करनी इसलिए पड़ेगी, जैसे आपको अभी निर्मला साहब ने बताया है कि बाजार में भीड़ है, दुकानदार खाली बैठे हैं, तो भीड़ क्यों है? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक 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 वाकये का ऐलान हुआ था कि हमको कोरोना के साथ जीना है। तो जब ये ऐसी चीजें उछलने लगती हैं और सबके दिमाग में, जब ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके मस्तिष्क में जब ये घर कर जाएंगी कि हमको कोरोना के साथ जीना है, तो एक लेवल की कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि भाई अब तो जो होगा देखा जाएगा, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, सब ढील ढाल है। और आप ये बताइए कि अब 11,500 केस पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं, देश में जो केस का डबलिंग टाइम है वो है अनामिका जी 17 दिन। हम सिर्फ अगर आप टॉप 10 कंट्री से कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ ब्राजील के बाद हमारा नंबर आता है अनामिका जी। ब्राजील में इस टाइम इस डबलिंग रेट है 13 दिन का, हिंदुस्तान में है 17 दिन का, रशिया में है 18 दिन का, यूएसए में है 32 दिन का, इटली में है 55 दिन का। तो हिंदुस्तान टोटल नंबर ऑफ केसेस के अंदर चौथे नंबर पे आ चुका है और केस डबलिंग रेट में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ चुका है। अगर अभी हम स्थिति की गंभीरता नहीं सोचेंगे और ये सोचेंगे कि कभी महीने डेढ़ महीने बाद एक पीक आ जाएगी और उसके बाद हिंदुस्तान का जो कोविड-19 का कर्व है अपने आप फ्लैट हो जाएगा, तो हम इस भ्रम में ना रहे। धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ये स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। अगर डॉक्टर ही पॉजिटिव आते रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव आता रहेगा, अब रातों रात कहां से आप डॉक्टर बनाएंगे, आप रातों रात कहां से पैरामेडिकल स्टाफ लेके आएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत गूढ़ सवाल, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। मैं एक फाइनल कॉमेंट नरोला साहब आपसे चाहूंगी, जब इस तरह से हम लॉकडाउन को लेकर बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया कि अगर अभी भी केसेस से निपटने के लिए, मरीजों की संख्या कम करने के लिए अस्पताल में ही जो चलिए हालिया मौजूद है उसमें ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए वक्त चाहिए, इसके लिए भी लॉकडाउन होना चाहिए, इस पर छोटा सा एक कॉमेंट चाहूँगी, कंक्लूड करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारा मतलब लॉकडाउन से सख्ती का, जो छूट दी गई है वो ज्यादा है, मतलब वो नए रंग रूप वाला लॉकडाउन ना हो, जो पहला था अगर वैसा करना है तो कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये नहीं कि आप एक तरफ तो कर रहे हैं कि लॉकडाउन। एक और बात डॉक्टर अजय गुप्ता ने कही कि ये कहा गया कि हमें कोरोना के साथ जीना है, लोगों ने इसे बहुत हल्के में ले लिया जैसे कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। देखिए दो तीन चीजें जो दिमाग में परेशानी करी जाती है, जो है पॉजिटिव लेकिन लोगों ने उसे हवा में ले लिया। एक हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 50% से ऊपर, नो डाउट 3,09,000 में से आज भी 1,60,000 एक हम सब के करीब पॉजिटिव केस है, तो लगभग अभी भी पूरे देश का 50% के आसपास है। वो शायद लोग उसे बहुत उत्साह में ले रहे हैं कि वाह बच जाएंगे, ठीक तो हो ही रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। एक दूसरा ये बार बार कहा जाता है कि हमारे देश में जो कोरोना के केसेस है वो माइल्ड है। अब वर्ल्ड में क्या पैमाना है, किस पैमाने के आधार पे माइल्ड है, जब सिम्टम्स ही नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि माइल्ड है? बिल्कुल, वो ठीक है कि हमारी खान पान में कुछ चीजें ऐसी है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है बनिस्बत यूरोपियन कंट्रीज के, कि हम रूटीन में
हमारे यहाँ कोई भी सब्जी बिना हल्दी के नहीं। उसके बावजूद हम अपने हमारे घर के बुजुर्ग बच्चों के लिए फिर डरते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के। और ये भी ठीक है कि हमारे यहाँ जो जितनी भी डेथ है उसमें से 80% ऐसी है जो खाली कोरोना नहीं, दूसरी और बड़ी बीमारियां साथ हैं, जिसने इम्यून पावर नहीं उनका उतना रहने दिया। बिल्कुल, ये भी सही है। लेकिन इन चीजों को अगर हम हल्के में लेंगे कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तो कोरोना के इस वजह से हम कोरोना से जी लेंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले अगले दिन अगर हम अगर लोग जागरूक नहीं होते, सरकार कब तक लॉकडाउन करेगी, कब तक पाबंदियां लगाएगी, कब तक जुर्माना लगाएगी, अवेयर तो हमें ही होना पड़ेगा। और हम नहीं होंगे तो हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं मिसाल नहीं देना चाहता उन देशों की, वाकई हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ नहीं जाना है। तो ये बात कि हमें कोरोना के साथ जीना है या फिर आत्मनिर्भर, तो हम हमारे ऊपर ही छोड़ दिया सरकार ने, तो हम देख लेंगे। इसे हल्के तौर पे डायलॉग है ये एक मजबूरी को दर्शाता है। जिसने भी शुरुआत की डायलॉग की, हाँ। वो कर नहीं पाए कुछ भी और उन्होंने अपनी बला लोगों पे टाल दी कि हमने कोरोना के साथ जीना है। वाकई नहीं, हमने कोरोना के साथ नहीं जीना है, बिल्कुल नहीं। हमने जीना खुद है। को बचाना है और औरों को भी बचाना है। हमने खुद को बिल्कुल बिल्कुल खुद को बचाना है, औरों को भी बचाना है, और कोरोना को पूरे इंडिया से भगाना है, बल्कि समूचे विश्व से भगाने का ये मोर्चा है। तो इसको इतने हल्के में मत लीजिए। एक बार फिर मैं डॉक्टर अजय गुप्ता के शब्दों में कहूंगी कि बहुत वजनी है और इस महामारी को इतना आसान तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। ये सभी के लिए जरूरी है, शासनिक प्रशासनिक और आप लोग जो टीवी को उस पार देख रहे हैं, आपके लिए भी आपका सजग होना, सावधान होना ही इस बीमारी का एकमात्र बचाव का उपाय है। ऐसा नहीं है कि और लोग बच रहे हैं तो अगर आपको या आपके घर में किसी और को होता है तो सबकी जिंदगियां बच जाएंगी। इसलिए आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सबों का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ आज हम इस प्राइम टाइम डिबेट को यहीं रोक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।